भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने तेलंगाना हुकूमत और पुलिस की तौहीन को हमेशा याद रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो सियाह कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने दोबारा हैदराबाद पहुंचेंगे। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के तलबा की जानिब से मुनज़्ज़म करदा इजलास में शिरकत करने के लिए हैदराबाद पहुँचने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्रिस्टल गार्डन में मुनाक़िद इजलास में शरीक होने के लिए पहुंचने वाले आज़ाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और आज सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ते हुए दिल्ली कर दिया गया रवाना। चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तेलंगाना में एहतजाज करने की भी आज़ादी नहीं है, अवामी हकूक़ को कुचला जा रहा है। वो इस तौहीन को हमेशा याद रखेंगे और एहतजाज करने दोबारा हैदराबाद आएंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस के प्लान को टक्कर देते हुए नेडुरु चरला म्यूनसिपालिटी पर कब्जा करने के लिए अचानक कांग्रेस के रुकन राज्यसभा केवीपी रामचंद्र राव को मंजर आम पर लाया, जिससे टीआरएस के मुकामी रुकन असेंबली सेधी रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी में बहस हो गई। मुकामी रिटर्निंग ऑफिसर ने केवीपी रामचंद्र राव के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया, ताहम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मुकामी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को मुअत्तल कर दिया। इस गड़बड़ और एहतजाज के दौरान चेयरमैन का इंतखाब कल तक के लिए कर दिया गया मुलतवी। नारायणखेड़ म्यूनसिपलिटी पर कांग्रेस की अक्सरियत के बावजूद एक्स ऑफिशियो अरकान के वोट से टीआरएस ने चेयरमैन के इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। बहसियत एक्स ऑफिशियो रुकन फारूक हुसैन और मुकामी रुकन असेंबली भोपाल रेड्डी ने वोट दिया। कांग्रेस के एमएलसी टी जी मैन रेड्डी ने बहसियत एक्स ऑफिशियो रुकन कांग्रेस के हक में वोट दिया, बावजूद इसके टीआरएस का सदर नशीन हो गया मुंतखब। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने बस्ती दवाखानों की तादाद में 350 तक का इजाफा करने का मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। अहदेदारों ने वज़ीर-ए-आला को बताया है कि शहर हैदराबाद में 118 बस्ती दवाखाने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिससे आवाम की काबिल लिहाज तादाद इस्तेफादा कर रही है। वज़ीर-ए-आला ने इस पर मसरत का इजहार करते हुए बस्ती दवाखानों की तादाद में 350 तक इजाफा कर देने का दिया हुक्म। किले गोलकुंडा के चमन की तज़ईन व आरायश की जीएमआर कंपनी की तजवीज़ रियासती वजारत तहजीब व सकाफत की सुस्ती की वजह से ताखीर का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वजारत तहजीब को मरकजी हुकूमत की तहजीबी वरसा स्कीम की मंजूरी का इंतजार है। जीएमआर किले गोलकुंडा के चमन के लिए दरअसल बरकी तवानाई और पानी की सरबराही के इंतजाम के जिम्मेदार होंगे। तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर की एक मस्जिद में बैन मजहबी खैर सगाली मुजाहरे के तौर पर एक शादी खाना जो बिला लिहाज मजहब अकीदा तमाम तबकात के इंतजामात के लिए दस्तियाब होगा तामीर किया जा रहा है। इतवार के दिन सीपीआई ज़ेर क़यादत बाएं जमहूरी महाज के ज़ेर इख़्तदार रियासत केरल में शुमाली इलाके से जनूब की सिम तकरीबन 620 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाई गई, जिसके शुमाली सिरे पर एम रामचंद्रन थे और जनूबी सिरे पर एम ए बी कलवाई मौजूद थे। अरबपति मुकेश अंबानी का सऊदी आरामको कंपनी में शराकत दारी का गुज़िश्ता साल अगस्त का मुआहदा, जिसके तहत 20% शेयर्स सऊदी तेल कीमियाई मादों की कंपनी को फरोख्त किए जाएंगे। रिलायंस के बरकी तवानाई तिजारत से पसपाई के मुतरादिफ नहीं। कबल अज़ीं बरतानिया की कंपनी को 7,000 करोड़ रुपये असासजात फरोख्त किए गए थे। इसराइल की वजारत दाखिला ने इतवार के दिन ऐलान किया है कि इसराइलियों को सऊदी अरब जाने की इजाज़त है, अगर ये दौरा मजहबी या तजारती मकसद से हो। मकबूजा मगरबी किनारे से साइबरकात ने ऐलान किया है कि इस इजाज़त के पेश नज़र फलस्तीनी ओजलो अमन माहदे से जो अमरीका के साथ 2013 में तय पाया था दस्तबरदार हो जाएंगे। अहदा वजीर अजम इसराइल अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहाँ ट्रंप से उनकी मुलाकात मुतवक्को है। हैदराबाद में कृष्णा पाइपलाइन की मरम्मती कामों का काम जारी है, जिसके पेश नज़र अगले 24 घंटों तक पानी की सरबराही रहेगी मसदूद। हुकाम ने बताया है कि 29 जनवरी को सुबह 6 बजे से 30 जनवरी को सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। जिन इलाकों में पानी की सरबराही मसदूद रहेगी उनमें से साहिब नगर, ऑटो नगर, वैशाली नगर, मीरपेट, जलपल्ली, मेलादेवपल्ली, शास्त्रीपुरम, बंदागुड़ा, बुधवेल, सुलेमान नगर, हैदरगुड़ा, गोल्डन हाइट्स, गंदमगुड़ा, अल्लाबंडा, भोजागुट्टा, आसिफ नगर, रेड हिल्स, शेखपेट, प्रशासन नगर, माधापुर, गच्ची बौली, नारसिंगी, बोडुप्पल, चिंगीचेरला, पीरजादीगुड़ा, अलवाल, सैनिकपुरी, लालापेट, स्नेहापुरी कॉलोनी, कैलासागिरी के अलावा कई इलाकों में पानी की सरबराही रहेगी मसदूद।
कोकटपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में दो अपराध शरीर जख्मी हो गए। बताया गया है कि कोकटपल्ली में पीर की सुबह एक आरटीसी बस ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों अपराध शरीर जख्मी हो गए। इस वाकये के बाद सड़क पर कई देर तक ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस ने जख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का कर दिया आगाज। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक बार फिर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से अपनी मुलाकात का किया तज़किरा। बेंगलुरु में यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुनक़िदा जमीयत उलमाए हिंद के इजलास से मौलाना अरशद मदनी ने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस अगर अपने नज़रियात में तब्दीली लाकर मुल्क की भाईचारगी फिरक़े वाराना हम आहंगी की फिजा को कबूल करती है तो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। इजलास में मौलाना ने तमाम मजाहिब के लोगों को हिंदू समझने के आरएसएस के नज़रिए पर रोशनी डाली। मौलाना ने कहा है कि अगर बीजेपी वाकई आरएसएस के नज़रियात पर चल रही है तो उसे शहरियत कानून जैसा काला कानून वापस लेना होगा। बास्केटबॉल के साबिक अजीम खिलाड़ी कोबी ब्रायंट हेलीकॉप्टर हादसे में हो गए हलाक। बताया गया है कि अमेरिका के काला बिसास इलाके में इतवार के रोज हुए एक हेलीकॉप्टर के हादसे में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के साबिक अजीम खिलाड़ी कोबी ब्रायंट समेत 9 दीगर अफराद हलाक हो गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ एलेक्स विलानोविया ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी कोबी ब्रायंट समेत हेलीकॉप्टर में सवार दीगर 9 अफराद की भी हो गई मौत। चीन में शुरू होने वाली जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस के मरीज हैदराबाद में भी पाए जाने का शुबा होने पर 4 अफराद फीवर हॉस्पिटल से रुजू हुए। उनमें से 3 अफराद चीन और 1 हांगकांग से शहर पहुंचे, जबकि चौथा मुश्तबा मरीज की शिनाख्त 3 मुसाफिरों में से एक की बीवी बताई गई है। उन चारों को फीवर अस्पताल में शरीक कर दिया गया है, जिन्हें अलग अलग कमरों में खसूसी तिब्बी निगरानी में रखा गया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को हैदराबाद पुलिस ने जबरदस्ती दिल्ली कर दिया रवाना। इतवार की शाम पुलिस ने आजाद को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो सीरबले और NRC की मुखालिफत में मुनक़िद होने वाली रैलियों में शिरकत करने हैदराबाद पहुंचे थे। मेहदीपट्टनम के फंक्शन हॉल क्रिस्टल गार्डन में CAA और नेशनल रजिस्टर सिटीजन NRC के खिलाफ तलबा की मुनक़िदा रैली में शिरकत करने के दौरान हबीबनगर पुलिस ने आजाद को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया था, जिसके बाद वहां हुजूम जमा होना शुरू हो गया, जिसके बाइस आजाद को बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया था। रात भर बोलारम पुलिस स्टेशन में रखने के बाद पी की सुबह आजाद को पुलिस ने दिल्ली कर दिया रवाना और पाबंद किया कि वो दोबारा हैदराबाद का दौरा न करें। केरल पंजाब की तर्ज पर शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद आज मगरबी बंगाल असेंबली में भी की जाएगी पेश। 295 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली में तृणमूल कांग्रेस को अक्सरियत हासिल है, इसलिए इस करारदाद को मंजूर होने की राह आसान है। मगरबी बंगाल हुकूमत उसूली तौर पर शहरियत कानून की मुखालिफत कर रही है, हालांकि असेंबली में करारदाद पेश न किए जाने पर तृणमूल हुकूमत की अपोजिशन जमातें मुखालिफत कर रही थी। चीन के कोरोना वायरस ने अमेरिका समेत दर्जन भर ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया के तमाम ममालिक इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये भी है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इतवार के रोज जयपुर में कोरोना वायरस का मुश्तबा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जयपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कोरोना वायरस में मुब्तला लड़का चीन में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। हिंदुस्तान आने के बाद उसने कोरोना वायरस की अलामत जाहिर हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसी के साथ ही चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 80 तक गई है पहुँच।